बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं ठीक होगा। फर्स्ट ईयर जैसे कि आप जानते हैं वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एंड टुडे वी विल स्टडी द मेडिकल ऑफ चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 से 6 का मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट YouTube चैनल पे भी मौजूद है, आप मुझसे DM में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, हां, और आप सर्च भी कर सकते हैं, आपने कोई टॉपिक समझना, कोई न्यूमेरिकल समझना, कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन समझना, कोई और टॉपिक समझना, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे पास गिवन है जी सर्टेन ग्लोब्यूलर प्रोटीन मॉलिक्यूल पार्टिकल है डेंसिटी 1.246 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब ये कहने का न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास गिवन डेटा में गिवन है बच्चों प्रोटीन पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी है जी 1.246 केजी पर मीटर क्यूब। ओके बच्चों, हाँ जी, और कहता है इट फॉल थ्रू प्योर वाटर हूज विस्कोसिटी इटा कहता है 8 × 10⁻⁴। विस्कोसिटी का आपको सिंबल पता है, ठीक है ना, इटा, ये इटा विस्कोसिटी का सिंबल है जो उसने कहा 8 × 10⁻⁴, और इसका यूनिट कितना साल बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड। फिर इसी तरह कहता है विद द टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 cm/h, टर्मिनल स्पीड है जी 3 cm/h। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में करना चाहते हैं आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 में सेंटीमीटर से मीटर में आना है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, और आपने 1 आवर से किस में जाना जी सेकंड में, उसके लिए आपको पता है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं जब आप इसको करेंगे, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी जो आपकी है वो आएगी बच्चों हमारे पास 8.3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, हाँ याद रखिएगा। तो इसी तरह आगे हमें बताया जाता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, रेडियस का सिंबल हमें पता है आर होता है। ठीक है, तो फार्मूला हमने पढ़ा था ड्रैग फोर्स वाला अगर आपको याद हो, और उससे हमने मैथमेटिकल करके हमने रेडियस का फार्मूला निकाला था टर्मिनल वेलोसिटी का के 2/9ρg, हाँ जी, जी आर स्क्वायर ओवर इटा जी और रो। तो हमने निकाला है आर स्क्वायर, आर अपनी जगह पे रहा, 9 ईटा βt और ओवर 2g ρ, और स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने रूट ले लिया। तो अब हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें, जब हमने वैल्यूज पुट की 9 × विस्कोसिटी कितनी है जी 8 × 10⁴, टर्मिनल वेलोसिटी है 8.3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2, जी की वैल्यू 9.8 और डेंसिटी कितनी है 1.246। जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास बच्चों आंसर आया 5 × 10⁵ रेडियस का यूनिट क्या होता है बच्चों मीटर। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड न्यूमेरिकल में हमें गिवन है बच्चों वाटर फ्लोस थ्रू अ होज, ठीक है, एक होज में से पानी गुजर रहा है, किस तरह से, उस इंटरनल डायमीटर, उस होज, उस पाइप का जो डायमीटर है बच्चों कितना है 1 cm, सिंपल। तो डायमीटर हमें गिवन है 1 cm, इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड किया मतलब 0.01 meter। फिर एट अ स्पीड 1 m/s, कितनी स्पीड है बच्चों 1 m/s। फिर हमें बताया जाता है कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ नोजल, डायमीटर कितना होगा नोजल का, अगर इफ वाटर मर्ज है 21 m/s, तो V2 कहता है अगर 21 हो तो D2 बताएं। तो अगर आपको नहीं याद तो मैं बताता हूं, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी A1V1 = A2V2। अब A तो हमें नहीं गिवन, हमें पता है डायमीटर सर्कल होता है, सर्कल का होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, हाँ पाई आर स्क्वायर।
तो आर वन और आर टू बना दे। तो आर वन हमें पता है रेडियस जो है डायमीटर जो है रेडियस का हाफ होता है, इसका मतलब है आर की जगह हम लिखेंगे डी बाय टू, स्क्वेयर अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। हाँ आर क्या है डी बाय टू। लो जी अब हमने सिंपल ये डी वन है ये डी टू है, चले हमने इस डी टू को फाइंड करना है। ऐसा करते हैं इस पाई को पाई से कैंसिल कर देते हैं, मतलब डी वन स्क्वेयर वी वन ओवर टू का स्क्वेयर फोर, ये टू भी वैसे कैंसिल हो जाएगा। अभी करते हैं डी टू का स्क्वेयर ओवर फोर बी टू, तो ये देखें फोर भी कैंसिल, मतलब हमने डी वन स्क्वेयर वी वन ऐसे ही रहा, ये वी टू इधर आके डिवाइड हो गया। डी टू फाइंड करना है, स्क्वेयर खत्म करने के लिए रूट ले लिया। तो जब हमने यहां वैल्यूज पुट की, डी वन कितना बचो हमारे पास, डी वन कितना बचो 0.01, वी वन कितना बचो 1, और बी टू कितना बचो 21। व्हेन वी डिवाइडेड देम वी सॉल्व देम एंड वी गेट अवर आंसर व्हिच इज, ये आंसर आता है जी 0.0002 मीटर, मतलब 2 × 10⁻³, हाँ जी मीटर। तो ये आंसर है। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड की तरफ। तो थर्ड न्यूमेरिकल में हमें बताया गया कहता है पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक, पानी का पाइप है टैंकी में से निकल रहा है और कहता है उसके अंदर डेवलप स्मॉल लीक, उसमें छोटा सा लीकेज हो गया और उसमें से पानी बाहर निकल रहा है और कहता है कि पानी की जो हाइट है ना उस टैंक की वो है 15 मीटर, ठीक हो गया। हाँ जी तो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, हमें गिवन है जी उस लीकेज की जो पाइप की जो हाइट है वो कितनी है बच्चों 15 मीटर हाइट हमारे पास गिवन है बच्चों 15 मीटर। और हमें बताया गया है कि अगर इफ द टैंक होल हैज एरिया, जो लीकेज हुआ है वो होल कितना एरिया उसका 0.060 सेंटीमीटर स्क्वेयर, आपको पता है 200 लगाए क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर के लिए 100, दूसरे के लिए दूसरा 100, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.060 × 10⁴ मीटर स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। हाँ जी तो वो कहता है कि अगर ये एरिया हो ये उसकी हाइट हो, हमने फाइंड करना है क्या, हमने उस पानी की जो उसमें से निकल रहा है उस होल में से उस पानी की स्पीड बतानी है और उसका वॉल्यूम का रेट बताना है वी ओवर टी, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बताना है, ठीक है। हाँ हमने ये भी इसी टॉपिक में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला था ये वाला फार्मूला ये इक्वल था जी वी ओवर टी के, याद रखिएगा। तो बेटे सुने हमने वी निकालना है, हमने इसका भी फार्मूला पढ़ा था H2 - H1, तो 2 as it is, G की वैल्यू 9.8, तो ये आया 17 मीटर पर सेकंड, वो दूसरा टॉपिक है, ठीक है। हाँ तो आगे बात कर लेते हैं, हमने फाइंड करना वॉल्यूम, लो वी ओवर टी किसके इक्वल होता है बच्चों वी के, ठीक है ना। हाँ याद रखो सॉरी A1 V1 के, हाँ A1 और V1। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास वी भी है 17 और एरिया भी गिवन है, कितना एरिया बचो 0.060 × 10⁴, जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो आ गया बच्चों कितना मीटर के ऊपर सेकंड में, कितना आया बच्चों हमारे पास 102, ठीक हो गया था 102 मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ जी। तो बेटे न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास गिवन है जी, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम, पानी एक पाइप सिस्टम से गुजर रहा है, कहता है एट वन पॉइंट एक पॉइंट पे स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकंड, एक स्पीड हमें गिवन है जी 3 मीटर पर सेकंड, फिर व्हाइल अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर, जहां पर हाइट हमें कितनी है, अगर यहां पर हाइट हमारी हम बोले कि 0 है तो दूसरे पॉइंट में जहां पे कहता हाइट है 3 मीटर, अच्छा फिर द स्पीड इज 4 ms - 1, स्पीड होगी जी 4 ms - 1, ठीक हो गया। हाँ उम्मीद समझ आ रही है। तो इसी तरह कहता है इफ द प्रेशर इज 80 kPa एट द लोअर पॉइंट, व्हाट इज द प्रेशर एट अपर पॉइंट, मतलब ये जो लोअर पॉइंट है यहां पर जो प्रेशर है कहता है कितना है 80 kPa,
किलो में आपको पता है 1000 होते हैं, तो 1000 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो P2 बताना है जो इस हायर पॉइंट पे होगा, P2 हमने फाइंड करना है, प्रेशर P2। अगर आप चाहते हैं तो डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। हाँ, कि ये एक पाइप है हमारे पास बर्नौलीज वाला, जैसे हमने पढ़ा था, इस पाइप की हाइट कह लो 3 मीटर है और ये हाइट है 0, ये H1 है जो 0 है, ये H2 है, ठीक है। यहां पर स्पीड 3 है, यहां पर स्पीड 4 है, ठीक है ना बच्चों। तो उसने कहा यहां पे प्रेशर अगर है 80 किलो पास्कल, यहां पे प्रेशर क्या होगा, ठीक है। हाँ चले फाइंड आउट करते हैं। हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी है, बड़े अच्छे से पढ़ी है जी। तो हमने पढ़ा है सांबो की डेफिनेशन, या तो सांबो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब 1 और 2 सेम। तो यहां भी लिख लेते हैं, अच्छा रो जी H2, ठीक है बच्चों। हाँ चले आगे बात करते हैं। अब हमने ये प्रेशर P2 फाइंड करना है, पहले हम क्या कर लेते हैं, चले वैल्यूज पुट करते हैं। P1 कितना है 80,000 प्लस 1/2, डेंसिटी पानी की कितनी होती है 1000, 1000। V1 कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितनी है H1, 0 है, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। अच्छा जी P2 फाइंड करना है, 1/2 डेंसिटी पानी की 1000 होती है, V2 कितना है जी 4 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 लिखना है, उसकी जगह रो पानी की डेंसिटी कितनी है, पानी की डेंसिटी 1000, जी कितनी 9.8 और H2 कितना है 3 ले, ठीक है बच्चों। हाँ चल अब इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं, मतलब क्या कहने का, ये इसको अगर आप 80,000 ऐसे ही आइए, 3 का स्क्वायर 9,000 के 9,000 को 2 से डिवाइड करो आपका आएगा 4500 को इसमें प्लस किया तो ये 80,000 से 84,500 बना, और इज इक्वल टू इधर ये P2 ऐसे ही ना प्लस 4 का स्क्वायर 16,000 का डिवाइड 2 किया 8,000, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे कि 9800 बनेगा, और 98 को जब 3 से डिवाइड करें 3 8 24 और 3 9 27 और 2 29, तो इनको प्लस करके इसमें से लाके माइनस कर दे ले जी, तो हमारा प्रेशर फाइंड हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, तो इनको जब हमने माइनस किया तो हमारा प्रेशर फाइंड हो गया, जो कितना आया जी हमारे पास 47,000 पास्कल, ठीक हो गया बच्चों। हाँ याद रखिएगा, हालांकि माइनस करके समथिंग कुछ आ रहा है, 8000 निकालो ये 76 होगा, 76 में से 29 निकालो तो ये 47, हाँ तो इस तरह ये 400 गया, वो राउंड ऑफ करके तो इतना ही बनता है, ठीक है बच्चों। हाँ याद रखिएगा इसमें। तो आगे आता है जी न्यूमेरिकल नंबर 5, हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें गिवन है जी एन एयरप्लेन इज डिजाइंड, के एक एरोप्लेन है उसका एक विंग इस तरह से डिजाइन किया गया कि सो दैट द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ विंग, उसके ऊपर वाली साइड पे जो उसका विंग पड़ रहा है जहाज का, उसके ऊपर वाली साइड पे कहते हैं अपर साइड पे द विंग इज 4 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ एयर, अपर साइड पे जो स्पीड है वो कितनी है बच्चों 450 मीटर पर सेकंड एंड द स्पीड बिलो द विंग इज 410 मीटर पर सेकंड, लोअर साइड में कितनी स्पीड है जी 410 मीटर पर सेकंड। फिर व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम विंग इफ द एयर डेंसिटी 1.29, कहता है एयर की डेंसिटी 1.29 ले लो kg/m³, प्रेशर डिफरेंस बताएं, स्पीड कहां पे ज्यादा है ऊपर, इसका मतलब ऊपर प्रेशर लो है, ठीक है। तो मतलब हमने P2 माइनस P1 करना है, क्योंकि नीचे स्पीड कम है लेकिन प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना बच्चों। हाँ याद रखिएगा, तभी तो वो उसको पुश करता है एरोप्लेन ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है बच्चों। हाँ तो ये P2 माइनस P1 हमने फाइंड करना, हमें बर्नौलीज इक्वेशन पता है बहुत अच्छे से पता है, चले स्टार्ट करते हैं। तो हमें फार्मूला पता है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये एच वाला मैं नहीं लिखूंगा फैक्टर, क्यों, क्योंकि हमें हाइट नहीं दी हुई तो हम हाइट वाला केस निगलेक्ट कर देंगे। तो देखें P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, तो मैंने इसी इक्वेशन को इस तरह लिख दिया, एच वाले को फाइन खत्म कर दिया, ठीक है।
तो देखे पी टू माइनस पी वन, ये पी टू अपनी जगह पर पी वन इधर आगे माइनस हो गया, इसको अपनी जगह पर लिखे रो वी वन स्क्वेयर, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा रो वी टू स्क्वेयर। तो आप देखें वन ओवर टू रो को मन ले सकते हैं वी वन स्क्वेयर माइनस वी टू स्क्वेयर। जब आपने इनको माइनस करना है पहले स्केयर लो, डेंसिटी कितनी पानी की 1000 होती है, इसको 2 को डिवाइड किया 500 बचेगा, और V1 कितना जी 450 का स्केयर लो माइनस V2 कितना है 410 इसका स्केयर लो। जब आपने स्केयर लिया और इनको फिर माइनस किया और फिर इसे 500 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया बच्चों 22,000 पास्कल हमारा इनका प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, हाँ जी चले बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की। न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमारे पास गिवन है जी कहता है रेडियस ऑफ एन आयोटा, आयोटा कहते हैं वो ब्लड, ठीक है ना, एक वेन होती है जिसमें से ब्लड गुजरता है, ठीक है, हाँ दिल तक जाता है दिल से दूर जाता है उसे आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है आयोटा के अंदर कहता है उसकी जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस हमें गिवन है जी 1 सेंटीमीटर, मीटर में करने के लिए मीटर डिवाइड किया तो ये बना 0.01 मीटर। फिर हमें कहा जाता है कि ब्लड फ्लोइंग एंड फ्लोइंग थ्रू इट एट द स्पीड 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, कि जो उसमें से ब्लड गुजर रहा है उसकी स्पीड है जी 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो बना 0.3 मीटर पर सेकंड। फिर हमें बताया जाता है कि calculate the average speed of the blood in the capillary using the fact that although each capillary has diameter, अब average speed बतानी है blood की capillaries में से, ठीक है, मतलब V2 find करना है, V1 given है तो V2 ही find करना है ना obviously। फिर अच्छा फिर हमें कहते हैं कि अगर जो speed है capillary का diameter दिया 8 × 10⁻⁴, तो अब यहाँ पर diameter दे दिया वहाँ radius था जी, तो सुने डायमीटर के लिए डी दे दिया 8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इसको मीटर में करने के लिए सेंटी 10 की माइनस 2 लगाए तो माइनस 4 और माइनस 2 होता है -6। ओके बच्चों हाँ याद रखना। फिर कहता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इज अबाउट, ठीक है, 2000 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया भी गिवन है जी 2000 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 1 × 10⁻²² है तो -4, 2000 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वेयर, तो ये जाएगा 1, 2, 3, 4, 0.2 मीटर स्क्वेयर, ठीक हो गया। हाँ तो हमने फाइंड करना है बच्चों स्पीड ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज V2 हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, हाँ जी जी। तो बेटे हमें फार्मूला पता है A1V1 = A2V2, ठीक है, हाँ, और A1 हमें पता है कि πr1² आना है यहाँ पर, और A2 गिवन है हमें, हमने फाइंड करना है V2, A2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा πr1² V1/A = V2। पाई कितना आता है बच्चों 3.14, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पाई लगा सकते हैं, शिफ्ट दबा के इक्वल के साइन के ऊपर लिखा था, ठीक है। तो आगे r1 कितना जी 0.01, v1 कितना है 0.3, ओके, एरिया कितना है 0.2, ठीक है। तो जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V2 आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 जी। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास गिवन है हाउ लार्ज मस्ट आ हीटिंग डक्ट बी, कितनी लार्ज होनी चाहिए, मतलब उसका हमने फाइंड करना है रेडियस। ओके बच्चों हाँ। फिर हमें गिवन है जी मूविंग एयर स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड, कितनी स्पीड हमें गिवन है बच्चों 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा फिर कहता है लॉन्ग ट्रिप प्लानिज ना एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है बच्चों वॉल्यूम का, 300 मीटर क्यूब। फिर हमें बताया जाता है कि एवरी 15 मिनट, मतलब टाइम कितना है हमारे पास 15 मिनट, इसको सेकंड में करेंगे, 1 सेकंड में होते हैं, मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो ये बना 900 सेकंड हमारा टाइम।
फिर इसी तरह बच्चों में कहता है अज्यूम एयर डेंसिटी कांस्टेंट, एयर डेंसिटी आपने क्या कर लेनी कांस्टेंट। तो बच्चों हमें पता है, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, वी ओवर डी रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो किसके इक्वल होता था, ए वी। तो हमारे पास वी भी गिवन है 3000, टाइम भी गिवन है 900, और ए नहीं गिवन, ए की जगह हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, और वी की भी गिवन है 3। तो पाई इधर ला के इनको डिवाइड कर लेते चले, जब इनको हमने डिवाइड किया तो ये तो चले काट देते 30/9 है। अच्छा ये पाई और 3 आके डिवाइड हो गए, आर स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने रूट ले लिया, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो स्क्वायर लिया, रूट खत्म हो गया, और आर हमारे पास इस तरह आ गया जी कितना, 0.19 मीटर। ओके बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर, ये था न्यूमेरिकल नंबर 7, अब है न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 गिवन है जी, एन एयरप्लेन डिजाइन कॉल फॉर लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ द मूविंग एयर ऑन द विंग ऑफ अबाउट 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होता है जी, ये किसका यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का, ठीक है बच्चों। हाँ जी, आपको नहीं याद तो मैं बता रहा हूँ, हाँ तो बस याद रखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल की इक्वल, और ये किसका यूनिट है, प्रेशर का। फिर कहता है अज्यूम एयर फ्लोस पास द विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद स्ट्रीमलाइन फ्लो, इफ द स्पीड ऑफ फ्लो पास द लोअर विंग द सरफेस इज 160 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड गिवन है 160 मीटर पर सेकेंड, और ये जो प्रेशर है ये दोनों का है, अप डाउन दोनों का है, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। और फिर हमें कहता है कि लोअर विंग में जाए ना, तो लोअर हमें पता है 2 वाला होता है, ऊपर वाला 1 होता है, याद रखना इस बात को। फिर इसी तरह बात करते हैं, कहता व्हाट इज द स्पीड ओवर द अपर सरफेस, अपर सरफेस में कितनी होगी, मतलब v1 हमने फाइंड करना है। फिर द डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 kg/m³, ये भी एमसीक्यूज में आपको आ सकती है, आपको ये डेंसिटी ऑफ एयर याद हो 1.29 kg/m³। क्या बच्चों, हां। फिर कहता है अज्यूम मैक्सिमम थिकनेस ऑफ विंग टू बी 1 मीटर, कितनी थिकनेस है जी 1 मीटर, किसकी विंग, उस जो पर है, ठीक है ना, किसका जहाज का, वो कितना 1 मीटर है, मतलब H2 - H1 कितना है 1 मीटर, दो हाइट्स है ना उसकी। ओके, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चले बेटे स्टार्ट करते हैं, हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौली इक्वेशन हमने पढ़ी है, P1 1/2 रो V1 स्क्वायर रो GH is equal to same here P2 1/2 rho V2 square plus rho GH2। अब इसको जरा सिंपलीफाई कर दें पहले, तो P2 इधर लाके माइनस कर दें, अच्छा कर दिया, नहीं 2 - 1 होता, ठीक है ऐसे ही है ना, क्योंकि नीचे प्रेशर हाई होता है ऊपर लो होता है, इसलिए तो 2 - 1 करेंगे, ठीक है। तो इसको जरा अरेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखे 1/2 rho V1 square, इसको इधर लाके माइनस कर दें, कर दिया हमने, अच्छा फिर जनाब हमने फाइंड करना था उसको, चले देखते हैं अरेंज कर लें पहले हम, और इसी तरह अच्छा इस V1 को फाइंड करना है, इसको अरेंज करते हैं, चलिए 1/2 रो V1 स्क्वायर है, ठीक हो गया। ये देखेंगे हम P2 - P1 की एक चीज बन गई, आगे रो जी एच टू है, इसमें से ये एच वन आके माइनस हो जाएगा, और ये रो जी कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी हो गए, ये दो भी हो गए, पीछे बचा जनाब ये, इसको आप ऐसे लिखते हैं 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हाँ जी चलो देखते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे 1/2, ऐसी डेंसिटी कितनी है 1000, 1.29 है जी, 1.29 V1 कितना है स्क्वायर फाइंड करना है, ये कितना जी 1000 प्लस ये 1.29 जी 9.8, ये हाइट कितनी है जी 1 मीटर, अगेन रो 1.29 और V2 कितना है जी 160,
का स्क्वेयर, तो जब आपने 160 का स्क्वेयर इन सबको सिंपलीफाई करेंगे ये उधर जाके ये 2 मल्टीप्लाई ये डिवाइड होगा तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा ये भी है स्क्वेयर भी खत्म करना है हमने रूट लेना है ठीक है। हाँ तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा V1 स्क्वेयर सिंपलीफाई करके 271,30.78 और इससे सिंपलीफाई हमारा रूट लेंगे ना जब इधर तो V1 आएगा हमारा 165 मीटर पर सेकेंड ठीक है बच्चों मेरा समझ आ गई होगी बहुत सिंपलीफाई है सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 9 वाला देखिए जी तो 9 में गिवन है कहता व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड गेज प्रेशर बताना हमने टू इन द सिटी मेंस फॉर अ स्ट्रीम कि उसमें एक स्ट्रीम नहर बह रही है ठीक है From a firehose connected to the main stool, reach a vertical height of 15 meters. कितनी height given है बच्चों हमें? Height given है जी 15 meters. और उसने speed अपने pressure difference find करना है ठीक है। हाँ तो pressure देखो हमने बर्नौली equation पढ़ी है P1 plus 1 over 2 rho V1 square plus rho G H1 is equal to same इसी तरह P2 plus 1 over 2 rho V2 square plus rho G H1 क्योंकि बेटे क्योंकि पाइप एक ही है उसकी विड्थ कम ज्यादा नहीं हो रही यूनिफॉर्म पाइप अब स्टेटमेंट पढ़े इसलिए V1 V2 मैंने सेम लिया V1 V2 मैंने सेम लेके और क्योंकि ये फिर ये और ये फैक्टर माइनस हो जाएगा खत्म हो जाएंगे ठीक है। पीछे हमारे पास चार चीजें बची P1 जमा रो जी एच वन P2 जमा रो जी एच टू ठीक है। हाँ तो अब देखें डिफरेंस निकालना ये तो लाकर माइनस कर दें ये तो जाके माइनस हो जाएगा रो जी एच टू माइनस एच वन तो वैल्यू पूर करें 1.29 अच्छा पानी है पानी की रेंज से हमें पता है 1000 होती है जी कितना होता है 9.8 और इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइट कितनी है 15 तो हमारा आंसर बच्चों आता है कि 1.29 केजी पर मीटर क्यूब तो आपने पता नहीं होना सिंपली एयर है प्रेशर की बात हो रही है तो हमारा आंसर है जी 1.47 × 10^5 पास्कल ठीक है बच्चों। हाँ तो ये हमारा प्रेशर डिफरेंस फाइंड हो गया तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपने कोई और टॉपिक समझना आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके आप उनकी तैयारी कर सके ठीक है ना बच्चों जी। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सी यू देन जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जल्दी का अल्लाह।